प्रदेश सरकार ना हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग में सी और डी क्लास के टेंडर ए क्लास के ठेकेदारों को देने के मामले में फंसे अधिकारियों को सरकार ने क्लीन चिट दे दी है। जांच कमेटी में कोई अनियमितता नहीं पाई गई है, इन्हें चेतावनी देकर बहाल किया गया है। ये सभी अधिकारी अधिशासी और सहायक अभियंता पद पर तैनात थे। बता दें कि इनमें कुछ अधिकारी सेवानिवृत्त भी हो गए थे, लेकिन चार्जशीट होने के कारण इनके वित्तीय लाभ रोके गए थे। लोक निर्माण विभाग का मानना है कि सी क्लास के ठेकेदारों के टेंडर में भाग न लेने से ये टेंडर ए क्लास के ठेकेदारों को दिए गए। इन अधिकारियों पर 200 करोड़ रुपए के ए क्लास के ठेकेदारों से काम करवाने का आरोप था। आरोप थे कि इन अधिकारियों ने नियमों को दरकिनार और पद का दुरुपयोग करते हुए ए क्लास के ठेकेदारों को काम आवंटित कर दिए थे। वहीं अब नियमों के मुताबिक ए क्लास के ठेकेदार पुल और भवनों का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए डंगे नालियों के निर्माण संबंधित कार्य आवंटित किए गए। विभागीय जांच के चलते इन्हें चार्जशीट किया गया। सरकार को ये भी शिकायतें मिल रही थी कि कुछ नेता चहेते ठेकेदारों को काम देने के लिए अधिशासी और सहायक अभियंता पर दबाव बनाते हैं। तमाम तरह की शिकायतों के बीच सरकार ने इनके खिलाफ जांच बिठाई थी। जांच कमेटी की रिपोर्ट के बाद इन्हें बहाल किया गया है। लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर इन चीफ अजय गुप्ता ने बताया कि जांच रिपोर्ट में कोई भी वित्तीय अनियमितता नहीं पाई गई है, चेतावनी देकर इन्हें बहाल किया गया है। वहीं महिला आईएएस अधिकारी की शिकायत पर ये जांच शुरू हुई है। बता दें कि महिला आईएएस अधिकारी की शिकायत पर सरकार ने जांच बिठा दी है। कृषि सचिव राकेश कंवर को जांच का जिम्मा सौंपा गया है। 15 जुलाई तक इस बाबत रिपोर्ट तलब की गई है। क्रमिक विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने जांच के निर्देश दिए हैं। राज्य सचिवालय में कार्यरत आईएएस महिला अधिकारी की ओर से क्रमिक विभाग में अपने पीए सहित कुछ अन्य कर्मियों के खिलाफ 24 जून को शिकायत दे दी गई थी। महिला आईएएस अधिकारी के अनुसार उन्हें धमकी दी गई। मानसिक तौर पर सभी ने एकत्र होकर उन्हें प्रताड़ित किया। वहीं सवालों से उनकी बात को काटा गया। आईएएस अधिकारी की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए क्रमिक विभाग ने मामले की विस्तृत जांच करवाने का फैसला लिया है।